मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए और यहाँ सीखिए। दुर्गे सर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और स्वयं जो है वो कुछ नहीं करते हैं, सब स्टूडेंट ही करते हैं जी। इसके बारे में तो नॉलेज पहले नहीं था, लेकिन अभी पहले एक एक फाइल को डाउनलोड करके फिर से चेक करना पड़ता था। अभी एक्यूरेट क्या है, अगर 20 फाइल है तो बता सकते। 20 की क्लास सर सॉफ्टवेयर में तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर अपने को सीखना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए, वो ट्रिक पूरी तरह से एशिया टेलीकॉम में ही मिलती है जी। और जो भी नॉलेज चाहिए पूरी तरह से वो सिर्फ एशिया टेलीकॉम में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा सर। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे तरीके से रहा, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स बताई जाती है, सॉफ्टवेयर कैसा करना है क्या करना है बहुत इजी तरीके से बताए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल एसआर टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। तो ये हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी के फुल कोर्स के स्टूडेंट हैं, जो कि इनका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है और इनका सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इनका आज हम 5 दिन का आउटपुट लेंगे। तो हमेशा आप कुछ अलग देखते हैं और सब कुछ आप देखते ही है कि रिव्यू सबसे एक लेते ही है। तो चलिए मैं आपसे सबसे पूछना चाहूँगा, आप फ्लैशिंग कर लेंगे नहीं कर पाएंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर कर लेंगे? जी सर। और अगर यहाँ पे जो स्टेप बताए गए हैं, यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर सिखाया गया है, सॉफ्टवेयर के कितने स्टेप हैं? 5 स्टेप। मतलब आप कोई सा भी फोन आएगा तो सबसे पहले आपको 5 स्टेप फाइंड करने हैं, कितने स्टेप को फॉलो करने हैं। तो सॉफ्टवेयर को इजी बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? मतलब अगर कहा जाए कि अगर आपको कोई सा भी फोन आ जाए जो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन के लिए तो आप एमएमसी कर रहे हैं, ऑलरेडी एमएमसी कर रहे हैं, एमएमसी में आपको सारी चीजें ऑनलाइन की ऑफलाइन कैसे फ्लैशिंग होती है वो सारी चीजें आपको तो मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर जो आपको कोई सा भी फोन दे दिया जाए सीपीयू वाइज, तो आप फ्लैश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पे आपको जैसे मीडियाटेक की फ्लैशिंग हुई, कौन कौन कर लेगा? क्वालकॉम की फ्लैशिंग, अगर एमआई दे दिया जाए, आईफोन दे दिया जाए, तो सबकी फ्लैशिंग कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए किसी से, अगर मैं सबको, क्योंकि हमेशा अगर सिंगल सिंगल उठाऊंगा तो सब, अगर ये बताइए मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? सब बता लेंगे। चलिए तो अब यहां से हम बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। वो कैसे होता है वो आपको पता है कि नहीं पता है? चलिए, मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? स्कैटर फाइल आती है। कौन सी आती है? क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? firehive.mbin। अगर मैं किसी से पर्सनल पूछूं तो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? ठीक है, क्वालकॉम में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? क्यूडी लोडर 9008। मीडियाटेक में अगर हम ड्राइवर की बात करें तो आपको मैनुअली देना होता है कि इंस्टॉलर देना होता है? आप इंस्टॉलर दे दीजिए, बट आपको यहाँ पे मैनुअली ड्राइवर देना सिखाया गया कि नहीं दिया है? चलिए तो हम बात करते हैं आगे हमारी, क्योंकि पहले दिन की क्लास हुई थी मीडियाटेक की, दूसरे दिन की क्लास हुई थी क्वालकॉम की, तीसरे दिन की जो हमारी क्लास हुई थी एमआई की। तो एमआई की जब फ्लैशिंग आएगी तो वो आप किसके अकॉर्डिंग पे काम करेंगे? वेरी गुड, वो आप सीपीयू के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर मीडियाटेक होगा तो मीडियाटेक अकॉर्डिंग काम करेंगे, और हमारा क्वालकॉम होगा तो क्वालकॉम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर उसके बाद हमारी सैमसंग की क्लास हुई थी, तो सैमसंग में कौन सी फाइल आती है? .mb5। कौन से टूल यूज होते हैं? ओडिन टूल। कौन से ड्राइवर होते हैं? क्लियर है? ऐसा तो नहीं है कि मैं सबसे पूछ रहा हूं अगर कोई नहीं बता पाएगा क्या? सभी बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? चलिए तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैमसंग के बाद हमारी आईफोन की क्लास हुई थी, बट सैमसंग से पहले हमसे आप ये पूछना चाहूंगा कि सैमसंग के फारपी कितने मोड से हटती है? 2 मोड। कौन कौन सी? डाउनलोड मोड और अब आप बताइए एडीबी को इनेबल करने के लिए क्या प्रोसेस है? वेरी गुड, कॉम्बिनेशन। पर बहुत से लोग बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन मेथड फेल है। आपको यहाँ पे जो भी सिखाया गया है प्रैक्टिकली दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? तो जो आपका कॉम्बिनेशन था वो फेल है कि पास है? मतलब चाहे S10 क्यों ना हो, हमारे पास कॉम्बिनेशन फाइल होगी और उसका फ्लैश फाइल होगा तो हम उसको इजिली FRP उसकी रिमूव। अब वो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन के बाद हमें क्या देखना है, आगे का प्रोसेस क्या है, कौन सी फाइलें टिक करनी होती है, कौन सी फाइलें अनटिक करनी होती है, ये सारा प्रोसेस पता है कि नहीं पता? एक बात बताइए कि ये जो बताया गया है आपको, तो ये केवल बताया गया है कि करके दिखाया गया? जो आपको कॉम्बिनेशन करके कितने फोनों में दिखाया गया? 2 फोन। कितने फोन नहीं, कॉम्बिनेशन फाइल 4 तो दिखाया गया, पर कॉम्बिनेशन फाइल कितनों में चढ़ाई गई?
प्रैक्टिकली दिखाई गई? ऐसा तो नहीं कि आप अपने से बोल रहे हैं? नहीं सर। जिस दिन की क्लास चालू हुई है तो ऐसा भी किसी दिन हुआ है कि बिना प्रैक्टिकली आपको सिखाया गया? नहीं सर। आपको हमेशा, और आप खुद चलाते हैं यहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे हमारा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, तो जो ये ऑपरेट करते हैं ये स्टूडेंट ही करते हैं। मैं कभी भी क्या मैं लेके बैठता हूँ क्या? या फोन को कनेक्ट करना हुआ या कोई सा भी टूल चलाना हुआ मैं चलाता हूँ क्या? ये सारे स्टूडेंट ही हमारे करते हैं। तो बस सब छोटा छोटा सा एक दो रिव्यू लेंगे स्टूडेंट का कि उनका क्या है। तो आप खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बताइए। तो आपने हार्डवेयर का कंप्लीट कर लिया है, सॉफ्टवेयर में आप बताइए आप जो सोचे थे आपको मिल रहा है कि नहीं मिला? जी सर, मिल रहा है। आप बताना चाहेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट को? कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए और यहाँ सीखिए। दुर्गेश सर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और स्वयं जो है वो कुछ नहीं करते हैं, सब स्टूडेंट ही करते हैं। जी ठीक है, थैंक यू उनके लिए। आप खड़े हो जाइए, कहाँ से? अपना नाम बताइए। श्याम सुंदर सर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, बस दो शब्द, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली सबसे पूछता तो आप आई होप सब बता लेंगे, नहीं बता पाएंगे? कोई ऐसा है कि नहीं बता पाएंगे? तो इसीलिए मैंने उसको सबको एक साथ ही पूछ लिया है आपको। तब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सॉफ्टवेयर में? बहुत अच्छा सर, मैं तो सॉफ्टवेयर अभी कब तक किए नहीं सर। अब आपको क्या लग रहा है? पर देखिए कोई भी, ये एक ट्रिक है, सॉफ्टवेयर एक ट्रिक है, जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी टैब के बारे में पता नहीं चलेगा। मतलब आपको इसमें मेहनत करनी है, तो कैसे फ्लैश करना है, कैसे एफआरपी हटानी है वो आपको पता है? कर पाएंगे? तो अब बताइए चुटकी में कर पाएंगे? तो किसकी किसकी चुटकी बज रही है? मैंने क्या बोला था कि आप पहले और दूसरे दिन में बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना, जैसे ही आपकी तीसरे दिन की क्लास होगी तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो जो क्लास है हमारा, जो शेड्यूल है, इनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। अच्छा आप ये बताइए, जो आप ऑपरेट कर रहे थे आप खुद कर रहे थे कि हम कर रहे थे? मैं कर रहा हूं सर। ज्यादातर इन्होंने ही किया है, कुछ सभी लोगों ने किया है? सभी लोगों ने चलाया कि नहीं चलाया? टूल को यहाँ पे ड्राइवर डालना हुआ या मैंने ड्राइवर डाला है क्या? चलिए तो और मैं पूछना चाहूंगा, खड़े हो जाओ, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? भूपेंद्र वाड़ी सर, यूपी से। क्या बोलना चाहेंगे आप जो हमारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा होगा कि आपसे, मतलब ये बोला जाए कि जो ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक हार्डवेयर में आपका रिव्यू लिया गया, एक आपका सॉफ्टवेयर में रिव्यू लिया जा रहा है, एक आपका एमएमसी में भी लिया जाएगा, किसमें लिया जाएगा? तो आपने हार्डवेयर पढ़ा तो कोई फेक रिव्यू दिया था क्या? अब जो आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है तो आप दिल से रिव्यू दे रहे हैं कि मतलब आपसे बोला जा रहा है? नहीं सर, दिल से दे रहा था। तो आप जो काम सीख रहे थे पहले से आप काम करते थे सॉफ्टवेयर का? जी सर करते थे, लेकिन वो पूरा नहीं आता था। फाइलों का नॉलेज, अगर आप में के पास 10 फाइलें हैं तो उसमें से कौन सी एक फाइल डालनी है बता पाएंगे? इसके बारे में तो नॉलेज पहले नहीं था, लेकिन अभी पहले एक एक फाइल को डाउनलोड करके फिर से चेक करना पड़ता था, अभी एक्यूरेट क्या है, अगर 20 फाइल है तो बता सकते। 20 फाइल ज्यादातर सैमसंग में देखा जाता है, कम से कम नहीं तो 15-10 फाइल तो सैमसंग में मिलेगी मिलेगी, क्योंकि उसकी बैटरी होती है, बैटरी के हिसाब से फिर वर्जन होता है, तो उसमें आपको एक्यूरेट फाइल अगर पता करना है सैमसंग की तो आप कर पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे? चलिए इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। आप खड़े हो जाइए, आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा तुषार नाम है, मैं महाराष्ट्र से। तो आप बताइए, जब आप सॉफ्टवेयर, आपने हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर भी आपका कंप्लीट ही हो गया है, आज आपको सारी चीजें बतानी है और आपको बाईपास भी देंगे, जो कि बाईपास चुटकी में देंगे वो भी प्रैक्टिकल देने वाले हैं आपको यहाँ पे। तो बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप, कैसा रहा आपका सॉफ्टवेयर की क्लास? सर सॉफ्टवेयर में तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर अपने को सीखना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए, वो ट्रिक पूरी तरह से एशिया टेलीकॉम में ही मिलती है जी, और जो भी नॉलेज चाहिए पूरी तरह से वो सिर्फ एशिया टेलीकॉम में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा सर। चलिए तो ऐसे ऐसे मैं सबसे पूछूंगा तो सब आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? चलिए तो अब मैं बात करता हूँ, बस फाइनल एक आपसे पूछना चाहूंगा, आप खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? मेरा नाम नदीम है सर, मैं बेलगाम कर्नाटका से। चलिए तो आप ये बताइए कि जब आप हार्डवेयर के पहले दिन आए थे, थोड़ी आप लेट भी आए थे तो आपका तो कवर हो गया था, फिर आपका जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस रहा कैसा रहा? सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे तरीके से रहा, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स बताई जाती है, सॉफ्टवेयर कैसा करना है क्या करना है बहुत इजी तरीके से बताएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी इस वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर वन पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है ये, बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे। पर उनका क्या, जो सिर्फ 6 लैग की आईसी सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप ईएमसी लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा, यहां पर दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट ईएन, जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयां हैं, वो सारी सप्लाइयां उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने एक मेहनत से पैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीकों और फिलो तरीकों आने वाले समय में देने वाले हमारे क्रिकेट और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.